और सब कैसे हो। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ड्राइव तो मैंने एक घंटा पहले स्टार्ट कर ली थी, थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना। अभी यहाँ पे बज चुके हैं दोपहर के 3। मैं हूँ इस टाइम फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में और ये देखो यहाँ के रास्ते, नज़ारे, यहाँ के बादल और यहाँ के डिजिटल स्पीडोमीटर, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़ारेदार यहाँ का ट्रैफिक। मैं लास्ट वीक भी यहीं आया था। ओह माय गॉड, कम से कम मेरे को फिलाडेल्फिया के ये 10 माइल क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे शाम को। बट ये है कि अभी थोड़ा सा 3 बजे का टाइम है, अभी ऑफिस ऑफ का टाइम नहीं है। ये जो 50 की स्पीड है ना, ये 50 की स्पीड 35 पे आ जाएगी। GoPro लगाना ही पड़ेगा यार, बिना GoPro के काम नहीं चलता, क्योंकि ना जो सीन GoPro में आ जाते हैं ना वो फोन में ले नहीं पाता मैं, क्योंकि ड्राइव भी करनी होती है। बड़ा ऊंचा पुल है ये, बहुत ऊंचाई पे है, नीचे इसके समुद्र है, पोर्ट है यहाँ। ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये है स्टेडियम। यहाँ पे देखो किस जगह बना रखा है स्टेडियम, बिल्कुल कॉर्नर पे। ये जो रिवर है ना, यहाँ पे बॉर्डर है न्यू जर्सी का, पेंसिल्वेनिया का और न्यू जर्सी का। अभी जस्ट एक सेकंड पहले ना पेंसिल्वेनिया में थे, अब न्यू जर्सी में है। क्या ही शानदार है न्यू जर्सी, वाह। जर्सी में आपका स्वागत है। मैं पहुंच गया हूँ जहां से लोड उठाना है, अब ये ढूंढना है कि है कहाँ पे। ये चेक इन करा दिया है और ये है रीफर का लोड, तो अपने को सेट करना है 42 पे। और ये एवोकाडो का लोड है, ये एवोकाडो जाएंगे डेलस टेक्सस, जब मर्जी उतार दो। तो आज का दिन आधा रात, कल का दिन अपना ही है। और मौसम देखो क्या गजब हो रखा है, यहाँ पे नज़ारेदार है बिल्कुल। डोर मिली है अपने को 4। अब 4 नंबर कहाँ पे है, डोर नंबर 4 यहाँ पे है, तो डोर नंबर 4 पे बैक करके लगाना है अपने को। ये मार्कर लाइट है ना, ये इंडिकेटर के साथ तो काम कर रही है पर वैसे नहीं काम कर रही नॉर्मल में, सिर्फ ब्रेक लाइट इंडिकेटर वाले काम कर रहे हैं नीचे। 42 पे सेट कर दिया टेम्परेचर और अब बैक लगा के फिर अपने को एक वीडियो और एडिट करनी है। एक तो ना इसकी लोअर की ना पॉकेट बहुत छोटी है, बैठते ही ना फोन नीचे गिर जाता है। लोड तो हो गया अपना, अब देखते हैं क्या वेट है क्या नहीं। ओके थैंक यू। स्टेक लोड लाद दिया पूरा, यो पूरा ऊपर तक लद रहा। ये है एवोकाडो डेलस जाना, यहाँ इसके पीछे अब ये लोड लॉक लगानी पड़ेगी ताकि ये सेफ रहे लोड। ये लोड अपना कर दिया सिक्योर बिल्कुल, अब इस पर लगा कि सील। ओके हो गया जी सील, अब चलते हैं घर की तरफ। वैसे तो रास्ते में पड़ेगा डेलस, कल या परसों लोड उतार का उसके बाद डायरेक्ट सीधा कैलिफोर्निया, मतलब देखते आगे क्या रहेगा। और 43 पर चल रहा, बाकी बैक करके इसके बाद अब पेपर वर्क ले आवा। जो वेयर हाउस वाले हैं ना, ये चप्पल अलाउ नहीं करते अंदर डाल का जाना, पर अपने वाले क्योंकि अपने वाले ना बहुत से लोगों ने आदत है चप्पल डालकर, यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम चप्पल डालकर रखा, जूते नहीं डालकर रखते, ट्रक चलाते भी चप्पल डालकर रखा। तो इस करका मैं एक दो पोस्ट देखी फेसबुक पर भी, टिकटॉक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, गोरे ना मतलब कि अपने वाले वहाँ चेक इन कराते वेयर हाउस में वो फोटो खींच लें, और बाद में उन्होंने लिख नीचे लिख रखा था न्यू स्टाइल टॉयज़। तो इस करके कोशिश करे करो
चप्पल ना डालने की, शूज डालने की, और वो भी नॉन स्लिपरी जो हैवी ड्यूटी होगा। तो मैं भी शूज डाल के ही आया, और यहाँ इन्हें लिख भी रखे नो टॉयज स्लीपर्स। वेयर हाउस इनका बंद हो गया, ऑलमोस्ट 5 बजे बंद हो जाए, क्योंकि मैं रेस्ट रूम यूज़ करना था। वो कह रहे वी आर क्लोज ऑलरेडी ऑफ 5, जस्ट ऑफिस इज ओपन। मैं कह इट्स ओके, पेपर वर्क अपना हो गया जी, अब निकलने की तैयारी है। सबसे बड़ी चुनौती है बाहर निकलना यहाँ से, क्योंकि फिलाडेल्फिया है, उसके बाद बाल्टीमोर, पूरा का पूरा पैक होगा इस टाइम पर 95, 295 और 70, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब मैं गोप्रो सेट करूँगा, क्योंकि गोप्रो ते पूरी बढ़िया फुटेज आवा, आत्मा फ़ोन बार बार पकड़ने से अच्छा है कि गोप्रो चलाओ, टाइम लैप्स बन जाएगी और टाइम लैप्स देखो फिर कैसी लगती है आपको। वाह जी वाह, क्या पुल है, डेलवेयर का हिस्टोरिकल पुल है जी, बहुत ऊंचाई का पुल है, पूरा लोहा छाप रखा घना पुराने टाइम के बनाए हुए। टोल रोड है ना, अगर आपके पास डिवाइस है, इजी पास हो या प्री पास, अगर जो तो आपके पास डिवाइस है तो आप उसके अपना आप डायरेक्टली अपना आप ही पेमेंट कट कर लें, अदरवाइज ये फोटो कैप्चर कर लें और जिसके नाम भी हो उसके नाम लेटर डाल देंगे और उसने ऑनलाइन पे कर दो, इतनी सी बात है बस। असली लड़ाई तो अभी बाकी है, पूरा बाल्टीमोर क्रॉस करना है, न्यूयॉर्क क्रॉस करना है, फिलाडेल्फिया, ओ माय गॉड, इसको बोलते ही बड़ा ही जबरदस्त नज़ारा। कोई साइड भी नजारे तो ये ले रहे हैं जो बोट वाले है ना, ये वाले जी। हाँ वैसे सर्विस, ट्रक स्टॉप है, कार स्टॉप भी है और सब कुछ मिला यहाँ से। ये कोई मॉल वगैरह नहीं है, ट्रक स्टॉप है, यहाँ सब कुछ है, बैठने की सीटिंग है, खाने के लिए भी है। अपने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं इनके पास खाने का। वेज जी नवरात्रे वैसे चल रहे हैं, नॉन वेज अपने को खाना नहीं कुछ भी, इसलिए चलते हैं जस्ट। बस अपना बाथरूम वगैरह यूज़ किया, अब वापस चलने की तैयारी है रोड पे। सोचा मैं गोप्रो लगाऊंगा, गोप्रो भूल गया, पर अब गोप्रो लगा के फिर दिखाते हैं आपको। साइड ना मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद आया हूँ, अब इतना कुछ पता नहीं है इस साइड के बारे मेरे को। हाँ दूसरी साइड वेस्ट साइड में कैलिफोर्निया टेक्सस उस साइड का सब पता है, पहले आता था यहाँ पे, 3-4 साल रहा मैं, मतलब चला हूँ इस साइड, पर इतना कुछ पता नहीं था, अब नहीं पता है, पहले पता था। तो इसलिए सबसे बड़ी परेशानी होगी नवरात्रों में वेज ही ढूँढना, अगर मैं इस साइड ही चला तो। लेकिन दूसरी साइड मतलब कि वेस्ट साइड में, उस साइड का तो पता है मेरे को कहाँ पे क्या क्या नहीं, क्योंकि यूजली मैं वैसे भी नहीं खाता नॉन वेज, कभी कभार। ओपरो अपना यहाँ सेट हो चुका है और अब फ़ोन को हाथ में पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो टाइम लैप्स लेना है तब यहीं से ऑपरेट हो जाएगा, और अगर सिंपल वीडियो लेनी है तब भी। वैसे मैं इसको बाहर लगाया था स्टैंड, पर मैं क्या बार बार रुकना चलना वो ठीक नहीं रहेगा, यहीं पे ठीक रहेगा। बस एक प्रॉब्लम आएगी अपने को, जब ये विंडशील्ड गंदा हो जाएगा ना तब जाके अपने को इसमें फुटेज क्लियर नहीं आएगी, अदरवाइज तो ओके है। चलते हैं अब। आज तो बुरे फंसे जी ट्रैफिक में, और 11 बज गए, सुबह का कुछ नहीं खाया अब तक, 11:30 हो गए, ओ माय गॉड। जाकर अब जा देखा कुछ खावा, अगर कुछ मिल गया तो। यहाँ सब्वे है, वैसे सब कुछ है यहाँ, पर वेज ही खाना जो भी खाना। थैंक यू, बधाई हैं जी, यो भी बंद हो गया, लास्ट उम्मीद थी।
ये भी बंद। इन पता यार यहाँ कुछ है ही नहीं वेजी खाने का, है तो कुछ पर वो अपने मतलब का नहीं है इस टाइम। लो जी आज ही खाना जो ट्राई करेंगे वो देसी है, वो इज अ ड्रिंकेबल योगर्ट। इसने देखा ट्राई कर का आज, इसका टेस्ट है जिस तरह मंदिर में वो नहीं देख रहा था प्रसाद जन्माष्टमी वगैरह। गाइस जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है ना, मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी अब स्नो पड़ने वाली है, क्योंकि यार टेम्परेचर देखो 42 को रखा है यार यहाँ पे, हद है यार 42, ओह माय गॉड। और आई होप आपको टाइम लैप्स अच्छे लगे होंगे और आपको व्लॉग भी अच्छे लग रहे होंगे, और जो भी आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है कमेंट करके बताओ और लाइक करो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजे राणा व्लॉग्स, एंड तब तक के लिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल सुबह नए किसी व्लॉग में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।